हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? और आपके अपने चैनल में आप सबका स्वागत है। राम राम जी। यहाँ पे ही अंकल जी आए थे प्लाजो वाले, तो मैंने बोला ब्लैक एक ना गोल्डन कलर का ले लूँ। लेगी तो हैं पर वो भी थोड़ी अब ख़राब हो गई हैं। सूट कुर्तियाँ पड़ी हैं पर लेगी नहीं है, तो मैंने बोला दो प्लाजो ले लेती हूँ। 150 के दो दे रहे थे, ये आपको प्राइस भी बता दूँ, पर ना मेरे आए नहीं। ये ब्लैक वाला मैंने देखा, अंदर जाके मैंने ट्राई भी किया, पर ना ये थोड़ा सा मेरे टाइट आ रहा था, छोटा आ रहा था। और कपड़ा वगैरह काफ़ी अच्छा था, शिफॉन में था। आपको पता है कॉटन तो मतलब धोने के बाद थोड़ी ठस जाती है, मतलब छोटी हो जाती है, पर शिफॉन सही होती। इधर जो दीदी वगैरह बैठी उनसे पूछा तो उन्होंने बोला ये मतलब चीज़ छोटी आई, तो वही बात सही हुई, तो मुझे ये छोटे लगे। फिर मैंने बोला अगली बार नेक्स्ट बार आओ तो आप दिखाना, बोल रहे अगली बार थोड़े बड़े और लेके आऊँगा। क्योंकि ना मैं 42 के पहनती हूँ, ये 42 के नहीं थे, 40 के थे, तो इस वजह से फिर मैंने छोटे छोटे देखे। वो भी थोड़े से वंशिका थी नहीं, तो थोड़ा सा मुझे ये था कहीं छोटे ना हो जाए, बड़े ना हो जाए, तो फिर मैंने छोड़ दिए। वंशिका को प्लाजो लेने थे, तो ये हमारा मॉल है, हम ऐसे ही खरीद लेते, सस्ते भी मिल जाते, अच्छे भी होते हैं। यहाँ पे कोई नहीं है घर में, सारा काम हो गया, आप देख सकते हैं घर एकदम चमक रहा है। सोना नहीं गई, उसको उनकी तबीयत ढीली है, तो आम खा रहे हैं। सोना नहीं खा रही, सोना को मैं नहीं खिला रही हूँ आम वगैरह, बस बोल रही मम्मी थोड़ा दे रही। मैंने बोला नहीं, थोड़ा सा भी नहीं, क्योंकि दवाई वगैरह खा रही है। तबीयत में आराम है, अभी इतना नहीं है, पिछली बार बहुत ज़्यादा हो गया था, अभी ठीक है। और आम जब फ्रिज में वगैरह रख कहीं पर रख दो, कितनी इस चीज़ की कितनी खुशबू खुशबू हो जाती है ना। आम रखो फ्रीज में, फ्रीज में भी खुशबू आने लगती है। तो ये देखिए मैंने कूलर चलाया था, इसको बंद कर दे रही हूँ। कितने के भैया? और जूतियाँ? 250। सही से ये निकालो ना अंदर, पहले ये इसके अंदर है जो ऐसे करके पहनते हैं। कितने नंबर है ये? दो नंबर थो ना। ढीला आगे करने पर आएगा, इतना खाली पड़ा है। सही आ रहा है। देखो हमारी फ्रेंड के साथ हमारी पार्टी, कल बर्थडे था इनके लड़की का, पर मैं आ ही नहीं पाई थी, दूर था, बोली थी कई बार, फिर मैंने नहीं आ पाई, छोटी सोना की तबीयत खराब। तो हमारी पेप्सी के और आप लोग बोल रहे थे ना कि अपनी फ्रेंड से मिलाना, तो मैंने मिलाया हम। हाँ सम, तो कौन से वीआईपी, हम लोग ऐसे ही है साथ। तो वहाँ स्कूल से वंशिका को जूते पहनाने के बाद, अपनी फ्रेंड के घर से आने के बाद, उधर ही स्कूल की तरफ ही थी तो बुला लिया था। बहुत तेज़ कल बारिश हुई, इस तरीके से लेके आई वंशिका की बैग की दोनों चैन ख़राब हो गई। इसमें थैलियों में बच्चों के जूते हैं, छाता, मतलब बैग बचा लिया और सारे गीले हो गए। छाता में अपनी जिसके घर में अभी गई थी फ्रेंड का, उसका ही छाता है। तो इस तरीके से देखो सामने वो बैठे हुए हैं, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है, मौसम ठंडा हो गया था। अच्छा आके सो गई थी और कपड़े वपड़े चेंज कर लिए, और मैंने आज लोअर टी शर्ट पहना है। इनको वैसे इन्होंने कहा कुछ नहीं, आप लोग कमेंट वगैरह करे उस दिन के, कुछ नहीं होता वो बदलो, पर ना कभी कभी इंसान ना बोलते हुए भी आंखों आंखों से बहुत कुछ बोल देता है। अभी आप आगे चल के देखिएगा, सब पता चल जाए, नहीं तो आप बोलोगे बात अधूरी छोड़ दी। तो ये बात यहीं ख़त्म करते, आगे स्टार्ट करेंगे, रिएक्शन खुद देखिएगा अपनी आँखों से। तो ये अरवी के पत्ते धो लिए थे। अच्छा अरवी के पत्ते, इस बार मैं पत्तों पे बेसन लगा के नहीं कर रही हूँ, उनमें काफ़ी टाइम लगता है, मैं इस तरीके से बना रही हूँ। ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते, मतलब थोड़ा ऐसी बारिश में ऐसा मिल जाए मुँह खुल गया, सच्ची बहुत टेस्टी बने। इनको काट लिया मोटा मोटा इस तरीके से, 20 रुपए के लेके आए थे। और ये मैंने बेसन छान लिया है, बेसन ये इतना छाना है, थोड़ा बेसन कम रखूँगी क्योंकि पत्ते का स्वाद आए तो सही रहता, पर इतना भी कम नहीं रखा, आप देख सकते हैं आपके सामने दिख रहा है। इसमें मैंने पत्ते जो काट के दोबारा धो लिए थे, और बेसन में थोड़ा सा तेल डाल दूँगी, थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ा सा नमक बस, और ये पत्ते ले लिए हैं। और इसको अच्छे से गूँथ लूँगी आटे को, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का मसाला डाला है, ज़्यादा मसाला नहीं डाला क्योंकि फिर इनको तड़का देंगे तब भी है। आप देखिए, आप
बहुत तरीके से आप मेरे चैनल पे देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो मैंने आटा डाल लिया, अब पानी ले लिया, इसको अच्छे से गूंद लेते हैं, मसाले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। नमक मिर्ची डाला है और कुछ भी नहीं, और थोड़ा सा तेल डाला है, क्योंकि अगर थोड़ा वैसे हो जाएंगे ना तो दांतों में चिपकते हैं, कच्चे कच्चे से लगते हैं, तो इससे थोड़े से चिपकेंगे नहीं, इसलिए। तो ये देखिए पानी डाल डाल के इसको इस तरीके से गूंद ले रही हूँ। आपको बेसन ज़्यादा लेना है ज़्यादा ले सकते, कम लेना कम, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे जितना लेना था मैंने उतना ही लिया। अच्छा, आटा गूंद गांद के मैंने साइड से रख दिया है। वंशिका ट्यूशन जा रही थी और देखिए यहाँ पे, और ना यहाँ पे मैंने आर्टिफिशन पहने थे ना, तो कान मेरे बहुत ज़्यादा खुजली कर रहे थे, बहुत ज़्यादा। तो मैं बोल रही थी मैं इनको चेंज करके मैं अपने वही डाल दूँ। तो यहाँ पे मैंने कानों में नारियल का तेल लगाया है, और ये बोल रहे थे जिस चीज़ की मना करो वही पहन लेती। आप लोग वैसे कमेंट मत करिएगा, वैसे कुछ भी नहीं बोला, पर फिर मैंने इनको चेंज कर दिया। मतलब कहना नहीं माना, आँखों ही आँखों में वो होता है ना, खा जाना, उस तरीके से ये देख रहे थे मुझे। फिर मैंने चेंज कर लिए, खैर बोले कि पहन लिया करो कोई बात नहीं, पर थोड़ा जैसे साड़ी में सूट में देखते उस तरीके से नहीं देखा, थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो मैंने खुद से भी थोड़ा ऐसे लगता है ना कि एक भी बात पति की ना मानो, तो थोड़ा सा मन में अजीब सा लगता है। तो अभी आप देखेंगे मैं ये करके मैंने उसके बाद चेंज कर लिया, ऐसे नहीं बोल रही हूँ वही है ये, देख सकते हैं आप बार बार घूर घूर के देखे जा रहे हैं। तो मैंने चेंज कर दिया, मैंने बोला रहने दो, थोड़ा बहुत देर पहले नहा दो के ठीक है, थोड़ा बहुत चल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने बेसन ये गूंद के पहले ही रख दिया था। अच्छा, इसमें मसाले घुस जाएँ इसलिए मैं उंगली की सहायता से उंगली पर चिपका के और इस तरीके से कर रही हूँ। बेल लिया था रोटी की जैसे, इस तरीके से आधे मैंने इस तरीके से किए, आधे मैंने मतलब गट्टे जैसे बनाते लंबा लंबा आटा करके और उबलने के लिए डाल दिया। अभी मैं दिखाऊंगी। और कपड़े तुरंत के तुरंत मैंने चेंज कर दिए हैं, आप लोग के सामने है ये, कोई दो तीन दिन का वीडियो नहीं, एक ही दिन का है। तो ये इस तरीके से है, इसको मैंने ऐसे किया है, और जो लंबे वाले वो भी मैं दिखा देती हूँ अभी, आप लोग खुद देखिएगा ये इस तरीके से आटे से करके और ऐसे, इससे ना क्या होगा मसाला अंदर तक जाएगा और खाने में और टेस्टी लगेगा। रेडी है, एक मिनट दिखाती हूँ। ये मैंने उबलने के लिए रख दिए अरवी के पत्ते के गट्टे, इस तरह बहुत तरीके के बनाने, अपना अपना तरीका है। जब तक मैं लहसुन प्याज कर लूँ, और ये कोई दो तीन दिन का वीडियो नहीं है, एक ही दिन का है। सुबह बारिश में नहा के चेंज, कितना चिल्लाते हैं, सुबह बारिश में चेंज किए, फिर वो पसंद नहीं है तो फिर ये सूट डाला है। ये हो रहे हैं, पानी उबलने के पहले ही रख दिया था मैंने। तब तक मैं लहसुन प्याज कर लेती हूँ, और रात का समय हो गया है। चाकू मैंने कमरे में ही कर लिया था, और वंशु हमारी मोबाइल चलाने में लगी हुई है। वंशु नहीं है, सोना सोना। तो ये यहाँ पे मैंने ये आटे का टिफिन ले गई, सब कुछ यहीं ले आई थी, थोड़ा बैठे बैठे होता है ना किचन में। मैंने बर्तन वर्तन धोए हैं, बंद करो सोना। और मैंने लिया है दो प्याज, एक बड़ा लहसुन, मतलब कहीं होती तो गिन के बता देती, पूरा लिया है। इनमें सब में ना प्याज लहसुन से ही अच्छे बनते हैं, और बहुत टाइम बाद बना के अच्छा लगता है चटपटा। और थोड़ा सा रायता बनाऊंगी, क्योंकि ये देखो अब रात में दो दो चीज़ें क्या बनाऊँ। और अब आप कहेंगे सुबह से शाम और दोपहर कब हुई, तो स्कूल से आके सो गई थी, फिर उठी 5:30 बजे, फिर चाय रात में तो रोटी बनाई, और फिर उठी, फिर चाय बनाई, फिर बच्चों को मैंने ट्यूशन भेजा, शाम का झाड़ू लगाया, शाम की दिया बाती की। अभी बज रहे हैं 8:30, 8:30 बजे ये मैं बनाने जा रही हूँ, फिर रोटी सेकूँगी। ये ऐसे हो जाती है रात, सुबह से रात कब हो जाती है पता नहीं चलता। और घर में दो बार तो झाड़ू लगना ही लगना चाहिए, तो चलिए मैं इसको कर लेती हूँ। ये भी आ गई, ये देखिए कहाँ गए थे, मौसम थोड़ी बारिश बहुत, आज बारिश हो रही है, अभी बूंदाबांदी हो रही थी, तो ऐसे मौसम में थोड़ा ऐसा मिल जाए तो अच्छा लगता है। इनको थोड़ा कम पसंद है, तो मैं रोटी रायता ये सब, ये गट्टे अरवी के गट्टे अच्छे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, पर गैस बनती है इसलिए दिक्कत होती है मुझे। चलिए, तो बहुत सारी बातें होगी, मैं कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ कैसे तड़का देती हूँ। गाँव में
ससुराल में बनाए थे, ध्यान होगा आपको। हर तरीके से मैंने दो तीन तरीके से आपको ये बनाने बताए हैं, आप लोग देखिएगा चेक करना। वो वाले के बनाए थे पत्ते पे बेसन लगा के, वो दूसरी वाले बनाए थे, ये वाले तो गांव में बनाए थे ना मैंने। तो देखिए ससुराल का नाम कितने दिनों बाद जवान पे आया है। तो ये देखिए ये बहुत अच्छे से उबल गए हैं, जो मैंने उंगली से करे थे वो देखिए वो अलग दिख रहे हैं, जो लंबे लंबे बनाए थे वो देखिए अलग दिख रहे हैं। गरम गरम इनको काट लो, ठंडे के बाद पर ज़्यादा गरम थे तो मैं थोड़ी देर में अभी काटूँगी। और मसाले वसाले मैंने सब कुछ रेडी करके रखा था, तैयार करके रखा था, अभी आपको दिखाती हूँ, आप लोग खुद देखिएगा। इस तरीके से इनको बारीक कर लीजिए। एक प्याज मैंने बारीक काट लिया था और मैंने लहसुन प्याज सूखी मिर्ची मिक्सी में पीस ली थी। और ये बेसन है जो मैं फ्रीज में रख रही हूँ क्योंकि ख़राब ना हो, इस वजह से रोटी रखते उसमें। ये देखिए फ्रीज में रख दो, सेफ रहेगा। यहाँ पर मैंने तेल में प्याज डाल दिया, पहले ये वाला प्याज भूंज लेते, फिर ये हींग डाल दिए और इसको पकने देते हैं। आप लोग एक बार ट्राई करिएगा, बहुत अच्छे लगते सच्ची में। थोड़े से मसाले डाल दिए, हल्दी मिर्ची धनिया गरम मसाला ये सब डाल के इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। अभी ये सारा कढ़ाई का छूट जाएगा तेल, देखिए हमारे मसाले ने छोड़ दिया है। और अच्छे से थोड़ी देर पकने देते हैं, उसके बाद डालेंगे इसको 5-10 मिनट। देखिए तो हमारा ये पक गया है। अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि हमने आटे में नमक डाला था तो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये देखिए इसमें, और ये देखिए मैंने बोला था ना ये इस तरीके से काट देते हैं। और देखिए कोई ऐसे नहीं गल गए हैं ये वैसे हो गए, नहीं, ये थोड़ा बहुत बेसन होता है ना वो ऊपर से छूट जाता है, इसलिए आपको ये गाढ़े गाढ़े वैसे देखने, नहीं तो सारे अलग अलग हो गए हैं, कोई चिपचिपे पे नहीं हुए हैं। तो चलिए जो काटने वाले थे उनको मैंने काट लिया है और ऐसे ही उठा उठाए खाने में काफ़ी अच्छे लग रहे थे, बहुत दिन बाद बनाए। तो चलिए मैंने देखिए इनको मसाले में डाल दिया, अच्छे से इनको मिक्स कर लेना है। और अब आप बोलो बार बार तारीफ़ करें, वाकई में मतलब मुंह का स्वाद बदल दिया, इतने टेस्टी बने। हम फिर मैंने रोटियां 4 या 5 बनाई थी, फिर मैंने थोड़ा सा लस्सी का रायता बना लिया था, उनसे रोटी खा ली थी। और ये मैंने प्लेट में ले लिया है नींबू नचोड़ के, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं। आप लोग एक बार ट्राई करिएगा, आ जाइए गरम गरम खाते हैं, अंदर चल के रूम में लेके जाती हूँ, आप लोगों को दिखा रही हूँ। कोई टाइट नहीं बने, कुछ नहीं बने, बहुत जैसे खाने बनने चाहिए वैसे ही बने हैं, स्वाद बहुत बेहतरीन था। ये देखिए सब लोग बैठे इंतज़ार में और सारा खा लिया था। और यहाँ पे खा खू के फिर यहाँ पे भाप लगाने की बारी आती है, डॉक्टर ने अभी बोला है भाप लगाएंगे तभी खांसी रुकेगी सोना की। तो हम ये मशीन ले आए थे, आप लोगों को पता ही है, तो बस बैठी हुई थी तो मैंने बोला इनको भाप लगा देती हूँ। 3 टाइम की बोला भाप लगाने के जो दवाई आती है वो हम एक साथ मतलब कल 2-3 ले आए थे। इस तरीके से इसमें ये डाल देना है, अगर आप लोग पता बहुत पता होगा तो अच्छी बात, नहीं पता तो पता चल जाएगा। इस तरीके से 2 इंजेक्शन से आते हैं, उनको दोनों को मिक्स करके डालना होता है। ये देखिए डॉक्टर अपनी मर्ज़ी से नहीं डाल रही हूँ मैं, डॉक्टर ने बताया है तब उन्होंने वहीं से लाए। और मशीन को इस तरीके से प्लग को लगा देना है और इधर एक रेड कलर का वो होता है उसको ऑन कर दीजिए। अभी देखिए धुआं निकलने लगेगा इसमें, ये देखिए चालू हो गई। अब इसको रेड वाले को देखिए चालू हो गई है, इसे मुंह पे लगा के भाप सोना अभी बैठी ले लेगी, ये देखिए। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो चैनल पे नए हैं चैनल को लाइक करिएगा और कमेंट